तो बेसिकली फ्रेम HTML में क्या होता है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट पे देखो, इन HTML अ फ्रेम इज अ सेपरेट विंडो और सब विंडो दैट डिस्प्ले कंटेंट फ्रॉम अनदर वेब पेज, यानी दूसरे वेब पेज से आपका कंटेंट लाकर आपके वेब पेज में दिखाता है, वही आपका फ्रेम होता है। तो ये डिफिनीशन अभी आपको अच्छे से समझ में आएगी अभी जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो थ्योरी में देखो, फ्रेम्स कैन बी यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू सेपरेट सेक्शन एंड डिस्प्ले डिफरेंट पीसेस ऑफ कंटेंट विद इन ईच सेक्शन। तो अभी अभी सेक्शन बना के भी देखेंगे। टू क्रिएट फ्रेम इन HTML हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेम सेट एलिमेंट यूज करते हैं। और उसके बाद देखो, द फ्रेम सेट एलिमेंट डिफाइन द लेआउट ऑफ द फ्रेम विद इन द पेज एंड कंटेंस वन और मोर फ्रेम्स। फ्रेम सेट के अंदर हम एक से ज्यादा फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, चलो अब हम लोग कोड करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे कोड करके हम लोग देखते हैं। तो ये वाला कोड तो ऐसे होगा, लेकिन मैंने जो फ्रेम का कोड था मैंने पहले से आपके लिए लिख कर रखा है ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, वीडियो जल्दी जल्दी खत्म हो, क्योंकि यार अब लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम होने दो, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कोई दिक्कत नहीं। जब एग्जाम में बैठो तो इतना सोचो कि हमें EIOB वाले चैनल से पढ़ के आया हूँ, इंजीनियरिंग वन वीडियो से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछो एग्जामिनर तुमको जहां से पूछना है वहां से पूछो, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल लिखूंगा आज यहाँ पर। तो चलो, फ्रेम सेट मैंने बोला था, तो फ्रेम सेट हमें लिखना है और फ्रेम सेट के अंदर एक से ज्यादा हम लोग फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले कॉलम लिखा और कॉलम लिखने के बाद हमने 50-50% में दो बार डिवाइड किया। तो चलो ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग फ्रेम वाला, हमारा ये फ्रेम वाला हो गया। अब देखो यहां पे दो सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, दो सेक्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, मैं दोनों साइड कर देता हूं। देखो दो सेक्शन मिल रहा है, तो 50-50% का अगर मैं यहां पर इसको कर देता हूं, एक को मैं 25% कर देता हूं और इसको 75% कर देता हूं, और फिर रिफ्रेश करता हूं, तो देखो इधर वाला 75% होगा, इधर का 25% हो गया, समझ में आया। अब देखो फ्रेम जब हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले यहां पर रिसोर्स देते हैं, SRC देते हैं कि इस वाले में, इसमें देखो हाय दिस इज द मेनू पेज, ये मेनू वाला आपको दिख रहा है, यानी कि रिसोर्स देते हैं कि कौन सा वेब पेज आप यहाँ इस पार्ट में दिखाने वाले हो इस सेक्शन में, और कौन सा पार्ट इस सेक्शन में आप लोग दिखाने वाले हो, ठीक है। तो वो हम लोग रिसोर्स में देते हैं मेनू डॉट HTML, और यहाँ पर मैंने मेनू डॉट HTML एक पहले से बना रखा है। देखो मेनू डॉट HTML मैंने पहले से एक बना रखा है जिसमें मैंने लिखा है हाय दिस इज द मेनू पेज, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और मैंने बनाया है, यहाँ पर फ्रेम में मैंने एक और दिया था कंटेंट डॉट HTML, तो कंटेंट डॉट HTML भी मैंने एक देखो यहाँ पे बना रखा है, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हाय दिस इज कंटेंट पेज, ठीक है, समझ में आया। तो फ्रेम में मैंने पहले से दो बना रखे हैं फ्रेम, मतलब दो फाइल मैंने बना रखी है HTML की जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो फ्रेम सेट समझ में, फ्रेम सेट के अंदर मल्टीपल फ्रेम को यूज करते हैं। अब जैसे कि मान लो कि आपको ये फ्रेम थोड़ा, चलो थोड़ा अच्छा करते हैं, कंटेंट वाले में चलते हैं और कंटेंट पैराग्राफ का इसका कलर दे देते हैं, कलर नहीं देते हैं, बॉडी में हम जाके इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूं। और जो मेनू वाला था आपका, मेनू वाला कहाँ गया, कहाँ गया, नीचे आया, और बॉडी में जाके इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ब्लू, ब्लू कर देते हैं। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और चलते हैं फ्रेम वाले पे, और हमने ब्लू कलर सेट कर दिया है और रेड कर दिया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा देखो ये ब्लू हो गया, ये आपका रेड हो गया, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ से ये फेच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्रोम में ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे आपका कंटेंट वाला एक था, कंटेंट वाला ओपन किया, और एक मैंने मेनू वाला था, तो मेनू वाला देखो मैंने यहाँ पे मेनू वाला किया तो ये आपका ब्लू है, और एक कंटेंट वाला था तो आपका रेड है। इन दोनों वाले को, दोनों वेब पेज को हम एक वेब पेज के अंदर कॉल किए हैं, तो ये देखो एक वेब पेज के अंदर हम दोनों को कॉल कर दिए। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, प्रैक्टिकली जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो यार एक लाइक तो जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो, ठीक है।